गाइस, ये वीडियो अभी इंटरनेट में बहुत ज्यादा वायरल है। एक इंसान दूर से इस लेडी को देख के अपना मोबाइल कैमरा ऑन करके उसको रिकॉर्ड कर रहा था और तुरंत उसके तरफ भाग के जाती है, वो भी हाथ में एक चाकू पकड़ के। गाइस, ये वीडियो अभी इंटरनेट में बहुत ज्यादा वायरल है। इस वीडियो में जो लड़की डांस कर रही है उसी का नाम है द सर्बियन डांसिंग लेडी। इस लड़की की वीडियो पहली बार वायरल हुआ था 2019 में, पर आज तक एक भी वीडियो में इसका चेहरा एक बार भी नहीं दिखा। तो इसीलिए किसी को भी नहीं पता है कि ये लड़की कैसी दिखती है या फिर ये कौन है। ये लड़की कौन है वो आज तक एक मिस्ट्री है। गाइस, ये लड़की का जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया गया था वो वीडियो एक हॉस्पिटल के सामने रिकॉर्ड किया गया था। ये लेडी एक हॉस्पिटल के सामने अजीब तरीके से डांस कर रही थी और किसी ने इसको चुपके से शूट करके इंटरनेट में डाल दिया था। गाइस, आज तो मैं फुल फैमिली के साथ मैच देखने वाली हूँ और मैच देखते वक्त कोई स्नैक्स ना हो ये भी हो सकता है, तो मैंने तो स्विगी इंस्टामार्ट से स्नैक्स ऑर्डर कर दिया है और ये ना बस कुछ ही मिनटों में आ जाता है। स्विगी इंस्टामार्ट सिर्फ स्विगी ऐप पे ही अवेलेबल है एंड मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप स्विगी इंस्टामार्ट से ही ऑर्डर कीजिए, क्योंकि ये मिनटों में आपकी ग्रोसरीज आपके पास पहुंचा देता है। और अगर आप पहली बार स्विगी इंस्टामार्ट से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं देन नीचे दिया हुआ कूपन कोड यूज कीजिए IMNEXT। ये कूपन कोड यूज करने से आपकी फर्स्ट ऑर्डर में आपको 100 rupees ऑफ मिलेगा एंड आपकी फर्स्ट 5 orders में आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। गाइस, तो फिर वेट किस बात की, जल्दी से जाओ और स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर प्लेस करो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। इसलिए कुछ लोगों को शुरुआत में ऐसा लगा था कि ये लड़की कोई मेंटल पेशेंट है, बट बाद में कई सारे डरावने इंसिडेंट्स हुए इस लेडी को लेके। वो इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिनको सुनके आप भी सोचने में मजबूर हो जाओगे कि क्या वाकई में ये सर्बियन डांसिंग लेडी एक मेंटल पेशेंट है या फिर एक घोस्ट, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। जैसे कि ये वीडियो में आप देख सकते हो, एक लड़की बीच सड़क में अजीब तरीके से डांस कर रही है, जैसे कि ये उसी का दुनिया हो, उसको किसी का भी परवाह नहीं है और आसपास कोई भी नहीं है। एक इंसान दूर से इस लेडी को देख के अपना मोबाइल कैमरा ऑन करके उसको रिकॉर्ड कर रहा था, पर किसी तरह से उस डांसिंग लेडी को महसूस हो गया कि कोई उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो तुरंत पीछे मुड़ती है और उस रिकॉर्ड करने वाला इंसान की तरफ देखती है और तुरंत उसके तरफ भाग के जाती है, वो भी हाथ में एक चाकू पकड़ के। हाँ गाइस, उसके हाथ में एक चाकू भी था और वो लेडी भाग के जाके उस कैमरा वाले के ऊपर चाकू से अटैक भी कर दिया था। और इसके बाद से इसी तरीके के कई सारे इंसिडेंट्स होने लगे और जब इस इंसिडेंट का वीडियो इंटरनेट में वायरल हुआ तब देखा गया कि इस वीडियो में उस सर्बियन डांसिंग लेडी का चेहरा अच्छी तरह से नजर ही नहीं आ रहा था। सिर्फ यही नहीं, जब वो औरत कैमरा के तरफ भाग रही थी तब भी उसका चेहरा सही से नजर ही नहीं आ रहा था। इसके बाद से इस टाइप के बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए और कुछ लोगों ने तो पुलिस में भी जाकर रिपोर्ट करवाया। पुलिस ने जब छानबीन किया तब पुलिस को भी कुछ भी नहीं पता चला। पुलिस को कुछ भी समझ नहीं आया था, इसीलिए पुलिस ने उस इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया कि अगर किसी को भी ये लेडी या इस तरह का कुछ भी दिखे तो तुरंत वहां से भाग जाने का ऑर्डर दिया गया और बोला गया कि कुछ भी ऐसा दिखने से पुलिस को रिपोर्ट करना जरूरी है। बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला और तभी से लोगों को लगने लगा कि ये शायद कोई भूत या घोस्ट ही है, क्योंकि आत्माओं की दुनिया में या स्पिरिट्स की दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिनका चेहरा कभी भी नजर नहीं आता है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। इसके बाद से जब भी सर्बियन डांसिंग लेडी का वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो के नीचे आपको ऐसे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, सॉरी फॉर वॉचिंग योर वीडियो विदाउट योर परमिशन, और उसके बाद जीसस क्राइस्ट का एक क्रॉस साइन, क्योंकि लोग मानते हैं कि ये लेडी एक घोस्ट है और उसके परमिशन के बिना उसका वीडियो देखना एक बहुत बड़ी गलती है। लोग ये भी मानते हैं क्योंकि द सर्बियन डांसिंग लेडी एक नेगेटिव एनर्जी है, इसीलिए इस वीडियो को देखने के बाद जीसस क्राइस्ट की क्रॉस सिंबल वाला कमेंट करना
बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि जो भी इस वीडियो को देखता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है। गाइज, मुझे नहीं पता ये किस हद तक सही है, पर मुझे लगता है क्योंकि मैंने भी ये वीडियो देखा है और अभी आपने भी ये वीडियो देखा है, तो अगर आप इन सब चीज़ों पे मानते हो देन आप भी एक कमेंट कर सकते हो कि सॉरी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विदाउट योर परमिशन एंड उसके बाद जीसस क्राइस्ट का एक क्रॉस साइन इज नेसेसरी। गाइज, इस चीज़ को लेके अभी बहुत सारे लोग काफ़ी मजाक भी कर रहे हैं, कुछ लोग तो इस टाइप के प्रैंक्स भी कर रहे हैं रस्ते में जाके, वो इस सर्बियन डांसिंग लेडी की तरह ही डांस कर रहे हैं और लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं प्रैंक के जरिए। और उस वीडियोस के नीचे भी काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि इस चीज़ को लेके मजाक करना बिल्कुल मना है, क्योंकि इस सेंसिटिव चीज़ को लेके मजाक करने से जो मजाक कर रहा है उसके साथ भी कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आज भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को बिलीव करते हैं। शुरू शुरू में तो ये वीडियो सिर्फ सर्बिया में ही देखने मिल रहा था, इसीलिए इस लेडी का नाम दिया गया था द सर्बियन डांसिंग लेडी, पर बाद में ये वीडियोस ओहायो में भी पाया गया। ऐसी सर्बियन डांसिंग लेडी वाला घटना अभी तक तो इंडिया में सुनने में नहीं आया है, पर बहुत लोगों का कहना ये भी है कि इंडिया में भी ऐसी किसी लेडी को आप देख सकते हो। और अगर आपने अपने आँखों से किसी लेडी को ऐसे डांस करते हुए देखा तो आप क्या करोगे? इस लेडी से बचने के लिए एक प्रोसीड्योर है जो आपको ज़रूर फॉलो करना होगा। अगर कभी भी आपको सुनसान सड़क में रात के वक्त ऐसे डांस करती हुई कोई भी लेडी दिख जाए, आप गलती से भी उसको चेक करने के लिए भी उसके आसपास मत जाओ। आपको ये ध्यान रखना है कि वो डांसिंग लेडी आपको भूल से भी नोटिस ना करे। इवन आपको भी उस लेडी की तरफ ज़्यादा देर के लिए देखना नहीं है। अगर उस लेडी ने आपको नोटिस कर लिया तब तो आपका बच पाना नामुमकिन है। अगर उस लेडी ने आपको नोटिस कर लिया तब तो आपका बच पाना मान लो नामुमकिन है, पर ऐसा भी माना जाता है अगर वो लेडी आपको नोटिस ना भी करे पर अगर बहुत देर तक आप उसको देखते रहते हो तो भी आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसी कोई भी इंसिडेंट दिखे तो आप तुरंत उस जगह से भाग जाओ और तुरंत जाके पुलिस में रिपोर्ट करवाओ। और सबसे बड़ी बात, द सर्बियन डांसिंग लेडी आज तक एक मिस्ट्री है। आज तक किसी को भी नहीं पता ये कहाँ से है, ये कौन है, ये कैसे दिखती है, कुछ भी इसके बारे में किसी को नहीं पता चला। सो गाइज, ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये सर्बियन डांसिंग लेडी कोई घोस्ट या भूत नहीं है, शायद वो कोई मेंटल पेशेंट ही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो कोई सीरियल किलर हो या साइको किलर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सही में कोई घोस्ट हो। आपको क्या लगता है कि ये लेडी सच में कोई घोस्ट है या नहीं? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप इन सब चीज़ों में विश्वास करते हो, घोस्ट या स्पिरिट जैसी बातों में, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके साथ कुछ हो सकता है, तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करना सॉरी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विदाउट योर परमिशन, और साथ में जीसस क्राइस्ट का क्रॉस साइन देना बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइज, आई होप कि आज का जो वीडियो था वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि ये 100% रियल इंसिडेंट है एंड अभी ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा वायरल है इंटरनेट में, आपने तो सुना ही होगा ज़रूर। तो या मुझे ज़रूर अपना ओपिनियन बताइए, और अगर आपको ऐसे वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है देन ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कर दो। मैं ज़रूर जल्दी और भी वीडियोज़ लेके आ जाऊँगी। आज का वीडियो इतना ही। बाय गाइज़।